मेरा नाम है साजिदा खान, मैं भी मुंबई से हूँ। 40 प्लस एक तीन कहानियों को जोड़ी हुई एक कहानी है। कहते हैं कि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, कोई ना कोई सिरा अधूरा रह जाता है जहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है। 40 प्लस में हम ऐसे ही तीन परिवारों की कहानियाँ लेकर आए हैं जो एक दूसरे से जुदा जुदा हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं। लेकिन ज़िंदगी उनका मकसद सिर्फ एक है, जियो और जीने दो। 40 प्लस मतलब ये है कि समाज, जो आज के हमारे समाज में अगर एक मर्द एक लेडी से अलग हो जाता है, एक लेडी से एक मर्द से, जैसे कोई भी एक्सपायर हो गए, जैसे हस्बैंड या वाइफ, तो किसी एक को अकेले जीना पड़ता है। तो ये कहानी एक ऐसी है कि भाई अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें ये परिवार एक ऐसा है, एक ऐसे गांव का परिवार है कि अगर वाइफ अगर अकेली है, हस्बैंड को डेथ हो जाने के बाद में एक हस्बैंड अकेला हो गया है, तो उन लोगों को जोड़ के दूसरे किसी से भी अगर पसंद आ रहा है तो आगे तुम अपने रिलेशन में बढ़ सकते हो, शादी कर सकते हो। ये कहानी ऐसी ही है कि भाई अकेली अपनी ज़िंदगी निकालने से बेटर है कि तुम अपने पार्टनर चॉइस करो। ये हक सिर्फ यंग लोगों को नहीं है, ये हक हमारे जो मम्मी पापा होते या दुनिया में चल रहे रिलेशन, जो अकेले एक्सपायर हस्बैंड वाइफ हो जाने के बाद में अकेले रह जाते हैं, उनको हक है कि वो अपना पार्टनर अभी इस लाइफ में भी 40 प्लस के बाद में भी चॉइस कर सकते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। अकेली ज़िंदगी बिताने का मतलब कोई नहीं बनता, तो तुम्हें हक है पूरा।
तो चॉइस डिपेंड है तुम लोगों के ऊपर कि तुम अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, किसी को भी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना इंडियन कल्चर सबसे गंदा, जितना अच्छा है उतना गंदा भी है। इस मामले में उनकी सोच बहुत घटिया इंडियन कल्चर की। ये सोचना बदलने के लिए ये 40+ फिल्म है और देखनी चाहिए और ज़रूर देखना। आपका लोगों का किरदार क्या है? मेरा किरदार इसमें मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, जो शादी हो रही है यहाँ पे फिल्म में, और एक आइटम गर्ल को इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं शादी में। तो ऑफकोर्स शादी हो रही तो खुशी में कोई तो होना चाहिए ना, तो आइटम सॉन्ग के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा जवानी में है, लेकिन सफलता का असली मज़ा जवानी के बाद शुरू होता है, यानी कि 40+ में। 40+ जो है अनुभव और जोश का संगम है, अनुभव जो हार कर मिलता है और जोश जो सपने देता है। अमूमन हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि 40 के बाद ज़िंदगी थोड़ी नीरस हो जाती है, थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन हम इस पिक्चर में ये लेकर आए हैं, ये बताना चाहते हैं कि 40+ से ही शुरू होती है ज़िंदगी की असली शुरुआत। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, इसमें जवानी के जोश में किए गई गलतियाँ दिखाई गई हैं और बुढ़ापे में अपने आप को कैसे खुश रखा जाए ये भी बताया गया है। तो अलग अलग कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इन सभी कहानियों को पिरोकर और संजो कर लाया है इस मूवी में 40+, जिसे पेश किया है मैंने और इसके राइटर हैं यश बाबू। जी मैंने देखे हैं, हमारे बहुत सारे बॉम्बे में देखे ऐसे किस्से, गुजरात में भी एक दो किस्से मैंने देखे हैं। मैं लड़की होके पता नहीं, मैं 40+ तो अभी हुई नहीं हूँ, 25 रनिंग, बट मैंने ये किस्से देखे हैं कि अगर एक हस्बैंड ऑफ हो जाता है तो एक वाइफ को एक दूसरे में शादी की जाती है, करवाई जाती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि अकेली ज़िंदगी बिताने से अच्छा है शादी करवा दो किसी के साथ और उसे पसंद है, या हम अपनी मर्जी से करवा दें। एक फैमिली डिपेंड, ये पूरी चीज़ें ना एक फैमिली पे होती है कि फैमिली कैसी है, उनका परिवार कैसा है। वैसे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे किस्से नज़र आएंगे आपको, जहाँ पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स बहुत से लोग फेस कर रहे हैं और ये तो ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। इसमें और 2-3 रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, एक आइटम सॉन्ग है और सब बहुत अच्छे बनाए गए हैं। आज हमने 40+ का पोस्टर रिलीज किया और प्रोमो रिलीज किया। ये फिल्म 28 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है। इससे पहले हमने फिल्म बनाई थी डॉटर टेल पंक, और वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर थी, वो कामयाब रही। उसकी कामयाबी के बाद हमने, ये हमारी 5वीं फिल्म है। क्या कहानी है 40+ हमने उन महिलाओं के लिए बनाई है जिनके बारे में समाज या उनके बच्चे उनकी फैमिली में नहीं सोचते हैं। नया कुछ करके दिखाने की कोशिश की है, जैसे किसी का मतलब किसी की पत्नी गुजर जाती है तो उसके बारे में तो फटाफट मोहल्ला समाज, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ उसकी शादी कर दी जाती है, उसकी शादी कर दो, ये बच्चे नहीं संभाल पाए। इस फिल्म में महिलाओं के लिए किया है कि अगर किसी का पति गुजर जाता है तो उसकी शादी के लिए समाज भी सोचता है और उसके बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं, और बच्चे जो अपनी माँ की शादी करवाते हैं। नया कंसेप्ट लेके आए हैं, विधवा शादी, विधवा शादी भी कह सकते हो, लेकिन विधवा शादी मॉडर्न विधवा शादी है। राज कपूर से ऐसा सर कहानी तो आज तक यश चोपड़ा जी बना रहे हैं, यश चोपड़ा जी रोमांस फिल्म बना रहे हैं, उसका किस तरह से उसको फिल्माते हैं। हमने इसको नयापन दिया है कि आज सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सअप, सब कुछ आ गया। पहले समय में महिलाएं कहाँ होती थी, घर में पड़ी है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। अगर आज बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, बच्चे अगर कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो पीछे रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी निभा रहे हैं, उनको देखते हुए और नया, मतलब मैंने कोशिश की है एक नया देने की। अगर मैं आज सब बता दूंगा सर थिएटर में कोई नहीं देगा, मैं इसलिए थोड़ा सा छुपा रखा मामला। 40+ मैं 40+ का हो गया ना जी, तो मैंने अब तक जितना देखा
हाँ वो मैंने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है. अब इसके बाद 50 प्लस भी आएगी तो मैं 50 का होगी. कब तक रिलीज करते हैं, क्या प्लान है? 28 दिसंबर को मैं रिलीज कर रहा हूँ इस साल. शूटिंग मुंबई, कुरुक्षेत्र हरियाणा और कुल्लू मनाली. क्या मैसेज देगी इस फिल्म में? ये दिखता है बच्चों को भी मैसेज आएगा, खाली 40 प्लस वालों के लिए नहीं है, उन युवाओं के लिए है कि जो बड़े बड़े सपने देखते हैं अपनी उड़ान लेके कि मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, मैं शाहरुख बनना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये पता तब चलता जाके जब वो 40 के बाद हो, पूरे 40 प्लस के हो जाते हैं. 40 प्लस के बाद उनकी जब ज़िंदगी शुरू होती है वो प्लस माइनस उनके अपनी सोच में, उनके विज़न में, उनकी मजबूरियाँ, उनकी हौसले भी सब डिपेंड करता है. कोशिश की है मैंने उसको दिखाने की कि भाई युवाओं को ये फिल्म अच्छी लगे और युवा जो है अपने माँ बाप के बारे में भी सोचे. ये तीन गाने हैं, तीनों गाने मैं ही कर रहा हूँ. मेरा नाम विशाल है. आई एम वेरी लकी यश जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये फिल्म के. फिल्म में एक जो है वो डांस नंबर है, इट्स कॉल्ड इश्क दा आचार, जो अनामिका जी ने लिखा है और उसमें रैप गुलाम मोहम्मद जी ने लिखा है. फिल्म में और एक गाना है दिल जो कहे कह दो ना, वो इट्स अ रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग, वो भी अनामिका जी ने ही लिखा है. और एक सॉन्ग की सिचुएशन है जिसमें फादर और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में वो सॉन्ग है. इट्स अ सैड सॉन्ग. माँ के ऊपर काफ़ी गाने बनते हैं बट फादर के ऊपर पहली बार एक गाना बन रहा है. गाने का नाम है पापा, वो लिखा है गुलाम मोहम्मद जी ने. अच्छे सिंगर्स हमको मिले, रितु पाठक मिली है जिन्होंने जलेबी बाई गाया है और गंदी बात गाया है काफ़ी सॉन्ग. शी इज़ अ फेमस सिंगर, सो शी हैज संग द डांस नंबर विच इज़ इश्क दा आचार. एंड काफ़ी अच्छा सॉन्ग बना है. वी हैव मास्टर्ड द सॉन्ग एट यशराज, सो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है. गाने जो है ये कहीं गए हैं बाकी स्क्रिप्ट की डिमांड थी वहाँ? सारे सॉन्ग जो है वो स्क्रिप्ट के डिमांड के साथ ही हुए हैं. सर ने जो सिचुएशन बताई उसके हिसाब से गाने कंपोज किए गए. एक गाना जो था वो पहले से लिखा था इश्क दा आचार, उसके ऊपर मैंने कंपोज किया है और बाकी जो दो गाने हैं उसका जो है कंपोजिशन और लिरिक्स बाद में हुआ है, बट सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं. नहीं, ये मैं जस्ट लिख ही रही थी. ये मैं थैंकफुल हूँ यश बाबू जी का कि इन्होंने वो देखते ही गाना पसंद किया और मुझे भी था नहीं कि ये इतना मतलब अच्छा जाएगा, तो उसको इन्होंने फिर विशाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंपोज किया और रितु पाठक जी ने उसे गाया, तो बहुत ही अच्छा गाना बन गया. जी मेरे पास विशाल जी ने बोला था कि एक सॉन्ग चाहिए जो बेटे और बाप की जो रिलेशनशिप है और जो इमोशंस है वो उसके ऊपर काम करने का है. तो कंपोजिशन ऑलरेडी सर के पास थी, तो उस पर हम लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग को क्रिएट किया था और वो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा बना है. तो सॉल्वफुल सॉन्ग है जो दिलों को टच करते हैं. और मैं थैंक बोलूँगा विशाल जी को जो मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे वो जिम्मेदारी दी. रैप जी रैप के बोल थे जो इश्क दाचार अनामिका जी के संबंधा निकलिए तेरा सूट लेके जांदा मैनू लूट लेके दिला पैरा शूट नी मैं आवा तेरे कोल किथे जाना है तू बोल नहीं मैं कब से यहाँ तैयार करदा रहंदा इंतजार पर तू मैनू बार बार कहंदी इश्क दा आचार कहंदी इश्क दा आचार. थैंक्स फॉर वाचिंग इंडिया नाइज 24 न्यूज. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक. थैंक यू.